स्टार्ट करते हैं हम लोग मीडियन, यानी कि मीडियन सीखेंगे कॉन्टीन्यूअस सीरीज में, यानी कि कॉन्टीन्यूअस सीरीज में या फिर क्लास इंटरवल सीरीज में। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो तीन तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक हम लोग बोलेंगे इसमें सिंपल टाइप क्वेश्चन, और फिर बात करेंगे हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चन, यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल वाले या फिर फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाले निकल वाले, ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, ठीक है। और तीसरा टाइप आता है यहाँ से, इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज़ क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड सीरीज़ क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे होते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर सबसे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन के। तो सिंपल क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन होते हैं लाइक क्लास इंटरवल, तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, ये हो गया हमारे पास क्लास इंटरवल। और फ्रिक्वेंसी 2, 4, 6, 4, 2, बहुत सिंपल है। हमने क्या करा, क्लास में मार्क्स को स्प्लिट कर दिया, लाइक 10 नंबर का टेस्ट था, 0 से 2 नंबर कितने बच्चों के आए, 2 से 4 नंबर कितने बच्चों के आए, 4 से 6 नंबर कितने बच्चों के आए, इस तरीके से स्प्लिट कर दिया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे हमारे पास। अब क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, ग्रुप निकालेंगे। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रुप चेक करने का, सॉरी। तो सबसे पहला काम हो गया साइज ऑफ एन बाय टूथ आइटम, ठीक है, एन बाय टूथ आइटम, ये हो गया हम लोग का। तो अब n बाई टू का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले आप CA बना लीजिए यहाँ पर, वैसे तो ये जो आपका रहेगा वो वही रहेगा, ठीक है। तो 2 और 4, 6 और 6, 12 और 4, 16 एंड 2, 18, ठीक है। तो n बाई टू कितना हो गया आप लोग का, यानी कि 18 बाय 2 आइटम, यानी कि कितना रहेगा, 9th आइटम। अब 9th आइटम को CF में जाकर देखिए तो कहाँ पे मिलेगा, 6 तो कम है, तो क्या आ गया आपका 12। तो यानी कि ये जो हिस्सा है ये क्या हो गया आपका, मीडियन ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे, मीडियन ग्रुप। आप ज़्यादा बेस्ट होगा आप लोग इसको लिख लीजिए, यानी कि दिस इज़ मीडियन ग्रुप। तो मीडियन ग्रुप क्या हो गया आप लोग का, ये चीज़। तो मीडियन ग्रुप आप लिख लीजिए 4 to 6, ठीक है। अच्छा, अब क्या रखना है याद आप लोग को, ये रहेगा आप लोग का लोअर लिमिट, ये रहेगा आपका कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, बिल्कुल जो भी ग्रुप हो उसके ठीक CF में CF कहलाता है, और ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ और इन टू एच, ठीक है। तो मीडियन इक्वल्स टू एल, एल कितना है आप लोग के पास, बहुत अच्छे से आप लिख लीजिए। तो लोअर लिमिट है 4, एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है, फ्रीक्वेंसी है 6, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है आप लोग के पास 6, और हाइट कितना है आप लोग का, यानी क्लास हाइट 2, जो ये आपकी क्लास हाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप उसको पुट कर दीजिए, तो L कितना है आप लोग के पास 4, और n बाई टू कितना है 9, CF कितना है 6, फ्रिक्वेंसी कितना है 6, इंटू एच कितना है 2, इसको कट कर दीजिए 3 आ गया। तो मीडियन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9 माइनस 6, 3, और 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, 1 आ गया, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। तो ये हो गया मीडियन। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आप मीडियन का आंसर निकालेंगे तो हमेशा वो जिस भी आपने ग्रुप का लिया है उसी के बीच का आंसर आएगा। देखिए 5 आया है तो 4 to 6 के बीच में क्या आता है, 5, यानी हमेशा आंसर इसके बीच का ही रहता है। अगर ऐसा नहीं है तो हमने कुछ गलत किया है, ये भी ध्यान रखिएगा मीडियन निकालने के बाद, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन में थोड़े से पंगे कर देते हैं, ठीक है। थोड़े से पंगे कहें अगर हम लोग, तो पंगे इन द सेंस लाइक यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। तो दोबारा लिखने का मतलब है कि मैंने क्या करा, अब आपको फ्रिक्वेंसी लिख दी यहाँ पर, ठीक है। तो 2x 6y 2, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आपको टोटल इसका गिवन दे दिया, दैट इज़ 18, ठीक है, मैंने बोल दिया आपको। और मैंने कहा इफ मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन इट मीन्स 5, देन फाइंड एक्स एंड वाई। क्या करना है आपको, फाइंड एक्स एंड वाई निकालना है, ठीक है। इसमें अंदर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके डिस्क्रीट सीरीज में भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, अभी तक आप क्या करते, ग्रुप चेक कर रहे थे, बट अब आपको ग्रुप चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए कि सबसे पहले मीडियन क्या गिवन है, 5। तो सबसे पहले आप CF बना लीजिए, CF बनाइए, 2 और 2 प्लस x कितना हो जाएगा, आई काम करते हैं थोड़ा सा इसको रब करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया आप लोगों को कि मीडियन 5 दे रखा है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए सबसे पहले CF बना लीजिए, तो कितना आ गया, 2 एंड 2 प्लस x, और 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 प्लस x, और यहाँ पर 8 प्लस x प्लस y, और यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस x प्लस y। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको पता है इसका टोटल कितना गिवन है, 18। तो इसको सेपरेट आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर क्या है आपके पास, 10 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू कितना गिवन है, 18। तो यहाँ से x प्लस y इक्वल्स टू कितना आ गया आप लोग का, 18 माइनस 10,
यानी कि आ जाएगा 8। तो इसको यहाँ पर इक्वेशन 1 एज्यूम करके छोड़ दीजिए, ठीक है, या नहीं भी करिए कोई दिक्कत नहीं, बट वहाँ पर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले बात क्या है कि मीडियन कितना गिवन था आप लोगों को, 5। तो जो भी मीडियन गिवन हो उसको आप ग्रुप में जाके मिलाइए। तो मीडियन 5 कहाँ लाइक करेगा इसमें, तो ये हो गया आपका मीडियन ग्रुप, ठीक है, और ये हो गया आपका सी एफ की वैल्यू, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। और ये हो गया आपका फ्रिक्वेंसी, कलर चेंज करता हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया आपका फ्रिक्वेंसी, और ये आपका फिर सेम ऐसी लोअर लिमिट। अब फॉर्मूला क्या है आपका, डायरेक्ट मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, ओके। अच्छा, यहाँ पर मीडियन की वैल्यू आपको गिवन है यानी कि 5, तो सबसे पहले आप उसको पुट कर दीजिए। एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 प्लस एन बाई 2, यानी कि कितना गिवन है आपके पास, एन बाई 2 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 9 आ जाएगा। सी एफ कितना गिवन है, आप ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस एक्स, तो इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखिए जिससे आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है आप लोग के पास, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, कई बार नहीं भी हो सकता है वहाँ पर कुछ और हो। और एच की वैल्यू कितना आपके पास, 2। अब क्या करेंगे आप, सॉल्व करिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 3 6, और इसको इस तरफ ले जा करके 5 - 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब बचा क्या, इधर देखिए, अब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 - 2 और माइनस एक्स, और डिवाइड बाई कितना आ गया आपका यहाँ पर, 3। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 9 - 2 करेंगे तो 7, यानी कि 7 - x, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर ध्यान देंगे तो x की वैल्यू कितने आ गया आपके पास, 4, ओके। और x की वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पर वापस जाकर पुट कर दीजिए, तो 4 प्लस y इक्वल्स टू कितना आ गया, 8। तो y की वैल्यू भी कितने आ गई आपके पास, 4। तो यानी कि फाइनली हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या निकाली, 4 और 4। और याद रखिएगा, वापस जब पुट करेंगे तो इसका टोटल वापस क्या आएगा, 18 आएगा। और ऐसा नहीं आएगा तो आपने फिर क्या किया, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ की है। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में अगर सिंगल वाला मिस्ड है तो भी आप सिंपली कर सकते हैं, सिंबल वाले में, तो सिंगल वाला अगर मिस होगा तो आपको इतना नहीं करना, सिंपल आप फॉर्मूले पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट डबल मिस था इसलिए मैंने आपको इस तरीके से क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं ओपन एंडेड सीरीज पे, तो इसको आप तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए, ओपन एंडेड सीरीज में क्वेश्चन करने से पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ओपन एंडेड सीरीज दो तरीके की होती है, एक होती है लेस देन और एक होती है मोर देन। तो लेस देन और मोर देन अगर समझ में आता है तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले लेस देन और मोर देन का मीनिंग क्या है, लाइक मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, कहा क्लास इंटरवल, ठीक है, यानी कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, और फ्रिक्वेंसी में दीजिए आप लोग 2 4 6 4 2। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर सी एफ बनाते हैं, है ना, एग्जैक्ट सी एफ बनाते हैं। तो सी एफ का मतलब क्या हो गया, 2 2 and 4 6 और 6 12 12 और 4 16 और 2 18, है ना। तो ये लेस देन और मोर देन आपके किस में हेल्पफुल रहेगा, ओजाइब में। तो यहाँ पर ओजाइब में भी आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, यानी कि ठीक है। तो लेस देन और मोर देन का मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले लेस देन में जब भी आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 0 से लेस देन तो कुछ नहीं है, तो लेस देन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि इसको लेस देन में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे आप, लेस देन में जब भी लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो लेस देन क्या बोलेंगे, 2, नेक्स्ट क्या है आपका, 4, फिर 6, फिर कितना है, 8, और फिर कितना है, 10, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ तक कुछ भी नहीं था बस, और मैंने यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं आपको समझता हूँ कि क्या इसका मीनिंग है, पहले आप देखिए इतना, यहाँ पर लेस देन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हुआ कि मैंने कहा यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 16 और यहाँ पर है 18, ठीक है। मैंने पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने 10 से कम नंबर स्कोर किया, तो आप क्या बोलेंगे, 18, डन। और मैं अगर पूछूं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 8 से कम नंबर स्कोर किया है, तो आप बोलेंगे 16। तो यानी कि ये डाटा को नया तरीका है बोलने का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जब क्वेश्चन ऐसा रहे आपके सामने, ठीक है, और मैं कहूँ कि कैलकुलेट मीडियन, तो ऐसे क्वेश्चन में मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो याद रखिए सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्ट करिए इससे, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल कंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर लेस देन 2 है ना सबसे पहला, और अगला कितना है 4, सबसे पहले हाइट देखिए, तो हाइट कितने का है, 2 का है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या होगा, इससे पहले 2 कम करेंगे तो 0 से 2, तो पहला क्लास इंटरवल ये मिल गया आपको। फिर अगला क्या है, 4 से 6, है ना, 6 से 4। तो इस तरीके से आप क्या बनाएंगे, क्लास इंटरवल आएंगे। अच्छा, और लेस देन में जब भी याद रखें तो आप क्या करेंगे, नीचे से माइनस करते जाइए या फिर ऊपर से माइनस करते जाइए, ठीक है। तो फर्स्ट कितना है 2, तो 2 का 2 रहेगा आप लोग का, ठीक है। फिर 2 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4। फिर 6 में से 6 माइनस 12 माइनस करेंगे 6। फिर यहाँ पर 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4। और यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो आपने क्या बना दिया, फ्रीक्वेंसी। यानी कि याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में लेस देन और लेस देन वाले क्वेश्चन हो चाहे मोर देन हो, तो सबसे पहले क्या बनाइए आप लोग, क्लास इंटरवल बनाइए। अब आप मीडियन, और मैं पूछूं कि क्या इस क्वेश्चन का मीडियन निकालना डिफिकल्ट है, तो आप बोलेंगे नहीं, बहुत आसान है क्योंकि अभी आपने सीखा,
रहा है। सेम एज इट इज़ हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर मोर देन का क्वेश्चन भी इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मोर देन में क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो मोर देन में जैसे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले बस याद रखिए मोर देन में कैसे होगा, तो मोर देन में कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि जीरो से नहीं, मोर देन में बात करें तो मोर देन जीरो, मोर देन टू, मोर देन फोर, मोर देन सिक्स और मोर देन एट, क्योंकि दस से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। अच्छा, और यहाँ पर जब भी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको गिवन होगी वो टोटल, तो यानी कि फ्रिक्वेंसी का टोटल कितना है सबसे पहला काम, तो 18, फिर 18 में से माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है, जो भी आप बनाए भी तो भी काम आएगा। तो 18 माइनस टू करेंगे तो कितना आएगा आपका 16, 16 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 12, 12 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 2। तो यानी कि जब भी मोर देन वाला क्वेश्चन गिवन होगा तो ऐसे होगा। तो मोर देन में अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर अगर आपको इसको क्लास इंटरवल में चेंज करना है तो यहाँ पर कितना है 0 से 2, तो 0 से पहला क्लास इंटरवल क्या बन जाएगा आप लोग का 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। और फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, फिर वापस क्या करते जाइए माइनस करते आइए, तो यहाँ पर क्या बना लेंगे आप लोग फ्रीक्वेंसी, फिर आप क्या कर सकते हैं इजीली क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीडियन निकालने में इससे ना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाएगा चाहे आप किसी भी लेवल पे हों, और ना ही इससे डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप आसानी से चाहे मेरी बुक हो चाहे आपके पास कोई सी ऑथर की बुक हो, तो आप आराम से मीडियम के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारी बातें मैंने आपको बता दी है, अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोड के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, बाय बाय।